अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? कैन यू हेयर मी? ओके ग्रेट। सो वेलकम बैक। कल हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट टू मेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट एंड बिहेवियर। Then we introduced three important concepts. We discussed what is management, we discussed what is leadership, and we discussed what is supervision. Management को हमने define किया था कि ये एक process है जिसके through organizations क्या करती हैं। They plan, they organize, they coordinate, they communicate, and they control. और उसके बाद हमने कुछ roles of management को discuss किया था। We talked about some roles of management. Then we talked about leadership. It's a feature of management. Leadership के अंदर हमारा prime purpose क्या होता है? That we have to give lead to others. Leaders के followers होते हैं, managers के subordinates होते हैं। We also discussed के leaders directions देते हैं, guidance देते हैं, motivate करते हैं, inspire करते हैं। एंड द थर्ड थिंग वी टॉक्ड अबाउट वॉज सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स कि किसी के काम को लुक ओवर करना। वाई डू वी नीड सुपरविजन? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी हाउ आर पीपल परफॉर्मिंग। एंड वाई डू वी नीड टू सी हाउ आर दे परफॉर्मिंग? बिकॉज वी नीड टू सी और अंडरस्टैंड दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएटली और नॉट, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सही है या नहीं है। सुपरवाइजर को हम फ्रंट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर लीडरशिप का रोल भी प्ले करता है। कल हमने बात की थी कि लीडरशिप इज एवरीवेयर, यू कैन फाइंड लीडरशिप इन एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सुपरवाइजर्स एम्पावरिंग करते हैं, स्टाफ को डेवलप करते हैं, स्टाफ को ट्रेन करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू जंप ऑन द थेरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो थेरीज हैं इनके हम पहले बेसिक कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट थेरीज को हम दिस इज द एक्चुअल थिंग इन दिस चैप्टर विच इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट थेरीज को हम तीन एराज में डिवाइड करते हैं। वी हैव थ्री मेन एराज ऑफ थेरीज ऑफ मैनेजमेंट। पहला जो एरा है इसे हम क्लासिकल एरा कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिकल एरा। इनको हम अर्ली थेरीज भी कहते हैं, क्लासिकल थेरीज भी कहते हैं। दूसरा एरा जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज मॉडर्न एरा, मॉडर्न थ्योरी। और तीसरा एरा जो है ये है ऑपरेशन रिसर्च, ओआर, ऑपरेशन रिसर्च का एरा कहलाता है, ओआर भी कहते हैं। क्लासिकल मतलब वी आर गोइंग टू जस्ट गो बैक टू लाइक रूट ऑफ लाइक वन मोर देन 150 ईयर्स, तकरीबन 150 साल की हिस्ट्री अब हम देखेंगे। क्लासिकल थेरीज जब प्रेजेंट की गई थी दोज वर फ्रॉम लाइक मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 1850 से कहीं अर्ली 20th सेंचुरी तक क्लासिकल थेरीज का एरा था। फिर बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, समवेयर इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, जब तक वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू के पहले पहले मॉडर्न थेरीज काफ़ी प्रेजेंट कर दी गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर टू की वजह से दुनिया में बिजनेस मैनेजमेंट ने एक नई राह देखी, ऑपरेशन रिसर्च आ गए। ऑपरेशन रिसर्च ने बहुत सारे टूल्स मिलिट्री से बोरो किए, डिसीजन एनालिसिस के, डिसीजन मेकिंग के। जैसे आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी फॉर एग्जाम्पल, LP मॉडलिंग पढ़ी होगी आपने, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल्स जो होते हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज आर द टूल्स विच आर बोरोड फ्रॉम एक्चुअली मिलिट्री साइंसेज, मिलिट्री से बोरो किए गए। तो OR जो है ये फिर स्टार्ट हुई कहीं mid-20th सेंचुरी में, एंड स्टिल OR के ऊपर बहुत काम हो रहा है अब टिल प्रेजेंट। OR काफ़ी फॉलो की जा रही है इदारों के अंदर। तो ये तीन ब्रॉड एराज हैं, इसमें जो थेरीज हैं वो क्लासिकल और मॉडर्न में है। OR में हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, सम टूल्स विल बी डिस्कस इन OR। क्लासिकल थेरीज टोटल हम पांच डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर, फेयॉल, वेबर, अर्विक एंड रोजमेरी चेबर्ट, पांच नाम है इसके अंदर। फिर हम मॉडर्न थेरीज डिस्कस करेंगे, ये भी पांच हैं। क्लासिकल थेरीज को मॉडर्न थेरी से ब्रिज करती है एक थेरी एल्टन मायो की। तो
तो 11वीं थ्योरी जो है वो बेसिकली एल्टन मायो की होगी. सो वी आर गोइंग टू कवर टोटल 11 थ्योरीज फ्रॉम द एरा ऑफ मैनेजमेंट. हम मैनेजमेंट की एरा में टोटल 11 थ्योरीज पे बात करेंगे. क्लासिकल थ्योरीज जो है ये 5 है, मॉडर्न थ्योरीज भी 5 है, और एक थ्योरी इन दोनों को ब्रिज करती है, क्लासिकल से मॉडर्न की डिबेट में आपको लेके जाती है. दैट थ्योरी इज एल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन व्यू, जिसे हम एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन व्यू कहते हैं. ठीक है, दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये इस तरह से ऑपरेट करती है. सो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद द क्लासिकल थ्योरीज. क्लासिकल थ्योरीज की जो रूट्स हैं ये मिलती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में. साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेयर द क्लासिकल थ्योरीज ऑल बिगिन. साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है. फ्रेडरिक विंसलो टेलर, W. टेलर. टेलर ने कहा था कि हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, एक साइंस होती है. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि देयर इज अ साइंस टू डू एवरीथिंग. जैसे हमने कल भी बात की थी कि हम बिजनेस को मैनेजमेंट और बिहेवियर में डिवाइड करते हैं, तो मैनेजमेंट को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहे हैं यहाँ पे. हर काम को करने की एक साइंस है, उसका एक बेस्ट वे है करने का. टेलर कहता है कि आप वर्क एनालिसिस से, आप एक्सपेरिमेंटेशन से, आप उस काम को करने की बेस्ट पॉसिबल साइंस को ढूंढते हैं. सो थ्रू वर्क एनालिसिस, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, यू ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ टास्क. ठीक है, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क. ये ऐसे ही है जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं दिया करता हूँ कि आपने अपने घर से किसी डेस्टिनी पे जाना है, लेट्स से यू हैव टू ट्रेवल टू समवेयर. अब जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने का एक रास्ता तो नहीं है, मल्टीपल रास्ते होंगे ना, मुख्तलिफ रूट्स होंगे. अब अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो यू शुड वेरी केयरफुली एनालाइज ईच रूट टू योर डेस्टिनेशन. अब उसके एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो तीन रूट्स हैं आपके जहन में, उन तीनों रूट्स के ऊपर सिग्नल लाइट्स कितनी हैं, लेट्स से उन तीनों रूट्स के ऊपर डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर्स ट्रेवल करेंगे आप हर रूट पे, या उन तीनों रूट्स पे ट्रैफिक कंजेशन कितनी होती है. और फिर ये केयरफुल एनालिसिस के बाद फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, आप बारी बारी हर रूट को पे ट्रेवल करेंगे, एंड देन यू वुड गेट टू नो, यू वुड रियलाइज क्योंकि फाइन दिस इज द बेस्ट रूट. यानी उन तीन में से एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू आप एक रूट को बेस्ट पॉसिबल रूट करार दे देंगे. इसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ताकि आप मोस्ट एफिशिएंट वे को डिफाइन कर सकें. सो दिस इज हाउ टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर कहता है कि हर काम को करने की एक साइंस होती है, एक बेस्ट पॉसिबल वे होता है. अर्ली थ्योरीज जो हैं, जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज हैं, दे आर मेनली कंसर्न्ड विद वर्क एफिशिएंसी, कि किस तरह से आप एक काम को ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं. मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में और मॉडर्न जो थ्योरीज हैं इसमें एक प्राइम डिफरेंस ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती हैं इंसान एक मशीन है और मशीन जैसे काम करती है इंसान भी वैसे ही काम करता है, तो वी नीड टू मैनेज द वर्क, वी डोंट नीड टू मैनेज पीपल. लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो ज़्यादा बिहेवियर पे फोकस करती हैं, मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, वी ऑल्सो हैव टू मैनेज पीपल, दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू सी, पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये इनको समझना, इनके साथ काम करना आसान नहीं है. मशीन है ना, मशीन का एक साइंटिफिक सेट प्रोसेस होता है काम करने का. मशीन वर्क ऑन अ साइंटिफिक मैकेनिज्म. जैसे आपका मोबाइल फोन है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ योर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन का एक सेट मैकेनिज्म है, ठीक है. अगर उसकी बैटरी लो हो रही है तो उसमें बंद होना ही होना है, इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको कितनी अर्जेंसी है कोई कॉल करने की, आपको कितनी ज़रूरत है उस वक्त किसी मैसेज का रिप्लाई करने की. बट इफ मोबाइल फोन बैटरी इज गोइंग डाउन, इट विल डेफिनेटली शट डाउन, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका एक मैकेनिज्म है. जैसे गाड़ी है आपकी, गाड़ी को फ्यूल करेंगे तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी. लाइक यू कैन नेवर से टू योर कार कि चलो कोई नहीं, अगर पेट्रोल नहीं दिया तो मेरी बहन थोड़ा आगे जाना है. यू कॉन्ट से दैट, नहीं कह सकते ना, गाड़ी को नहीं कह सकते आप. हाँ, लेकिन आप इंसान को कह सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट पेइंग द पर्सन ऑन टाइम, यू कैन आस्क हिम कि आई विल पे यू नेक्स्ट वीक, द डे आफ्टर, लेट्स से यू हैव टू वर्क. तो क्लासिकल थ्योरीज कहती थी कि इंसान एक मशीन है, यू हैव टू गेट द पर्सन टू वर्क
मैनेजमेंट ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट है, जबकि मॉडर्न थेरीज कहती हैं कि इंसान जो है वो मशीन नहीं है, इंसान इंसान है। आपको पीपल मैनेजमेंट करनी पड़ती है वर्क के ऊपर, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू मैनेज वर्क, यू आर गोइंग टू मैनेज पीपल एट वर्क। तो पीपल एट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एग्जैक्टली टास्क फोकस जो था कॉन्सेप्ट, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिकल थेरी, बट मॉडर्न थेरी फोकस मोर ऑन द पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, ये पीपल के ऊपर फोकस करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट नाम है हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, टेलर, फेयॉल एंड वेबर। ये तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयॉल पे और वेबर पे क्वेश्चन आ चुका है, टेलर हैज नॉट बीन टेस्टेड सो फार। तो आपकी जो अटेम्प्ट है उसमें टेलर के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े वसी हैं। टेलर की थ्योरी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनफैक्ट किसी भी थ्योरी को जब आप पढ़ें तो आप उसमें क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे हम, कि हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इस थ्योरी में से क्वेश्चन कैसा किया जा सकता है। तो टेलर की थ्योरी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो टेलर का है, दैट विल टॉक अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर बेसिकली एक अमेरिकन इंजीनियर था जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुनियाद रखी थी। इफ यू डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन सो दैट यू कैन इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी। नाउ देयर आर थ्री कीवर्ड्स, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एफिशिएंसी। तो तीन कीवर्ड्स की बुनियाद पे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटरमिन करते हैं। ठीक है ना, तो टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि टास्क जो लोग परफॉर्म करते हैं उसको हमें स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना होता है। इनफैक्ट टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये ड्रॉ करती है एडम स्मिथ के ऊपर। इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है ना, एडम स्मिथ सबने पढ़ा होगा। एडम स्मिथ की किताब थी ना वेल्थ ऑफ नेशन, इन विच एडम स्मिथ टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क स्पेशलाइजेशन, रिमेंबर दैट। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि टास्क को डिवाइड कर दें स्मॉलर यूनिट्स में एंड देन मेक पीपल स्पेशलाइज्ड ऑफ ईच टास्क, हर काम के उनको स्पेशलाइजेशन सिखाएं। तो टेलर ने भी यही कहा था कि यू हैव टू डिवाइड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, आपने टास्क को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देना एंड देन यू हैव टू फाइंड वेज इन विच ईच वर्क यूनिट कैन बी परफॉर्म विद ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मीन्स शॉर्टेस्ट टाइम। कौन सा काम कितनी जल्दी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअल स्मॉलर यूनिट ऑफ द टास्क। और टेलर ने क्या किया था, टेलर की जो थ्योरी का की जो बैकग्राउंड है, टेलर ने कोल शॉवलिंग ऑपरेशंस को स्टडी किया था। अमेरिका में बीथलहैम स्टील वर्क्स में ये काम करता था और उस स्टील मिल के अंदर शॉवलिंग होती थी कोल की। शॉवल कहते हैं उर्दू में बेलचे को। आपने कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा हो तो यू वुड हैव सीन कि किस तरह वो रेत को शॉवल से निकालते हैं और उसको वो फिर कार्ट में डालते हैं, फिर वो कार्ट को ड्रैग करके फिर जहां वर्क साइट है वहां तक लेके जाते हैं, देखा है ना आपने। तो उसे शॉवल कहते हैं जिस चीज से आप कोयला निकाल रहे हैं या रेत निकाल रहे हैं या बजरी निकाल रहे हैं, व्हाटसोएवर। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, व्हाट ही स्टडीड वाज, उसने कहा कि जिस प्रोसेस से कोल को शॉवल किया जाता है, मीन्स कोल कोयले को निकाला जाता है, उसको उसने एनालाइज किया डिफरेंट तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, डिफरेंट लेंथ ऑफ शॉवल यूज करके देखे कि किस किस्म के शॉवल से बेस्ट पॉसिबल कोल निकल सकता है। उसने डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कोल निकाला एक एक्शन में कि कितनी क्वांटिटी निकाली जाए तो स्पीड ऑफ वर्क बेहतर हो सकती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपेरिमेंटेशन। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। आपको बेस्ट पॉसिबल या मोर एफिशिएंट वे ढूंढने के लिए किसी भी काम में आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। सो टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए टाइम के ऊपर कि कितना टाइम कम लगाना है कोल शॉवलिंग में। सो दैट वॉज द टॉप ऑफ टेलर। और इसी टाइम की स्टडी के ऊपर टेलर ने एक और थ्योरी निकाली थी जो कि हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी जो है इसका मतलब है कि आप किसी एक एक्शन को अगर एलिमिनेट कर दें तो कितना टाइम बचा सकते हैं आप। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग हियर, मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया कि टेलर की थ्योरी समझाने के लिए मुझे कुछ एक्शन भी करने थे आपके सामने। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। नाउ इफ आई हैव टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड ऑन माई बैक, सो आई हैव टू गेट अप, आई विल गेट अप, आई विल गो बैक, आई विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग देयर। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ शुरू कर दूँगा। अच्छा, फिर मुझे आपको कुछ समझाना है तो आई विल अगेन गेट बैक टू माई चेयर, आई विल सिट डाउन एंड आई विल अगेन स्टार्ट टॉकिंग टू यू। नाउ दिस होल प्रोसेस हैज कंज्यूम्ड सम टाइम, इस पूरे प्रोसेस ने कुछ टाइम कंज्यूम कर दिया। ठीक है ना, तो टेलर ने कहा था
कि ऐसे एक्शंस जो कि परफॉर्मेंस में वैल्यू ऐड नहीं करते, ऐसे एक्शंस को हमें एलिमिनेट करना है. ये उसने किया था टाइम एंड मोशन स्टडी के अंदर. इट वॉज डन इन टाइम एंड मोशन स्टडी. ठीक है, तो टेलर की जो थ्योरी है उसकी फाउंडेशन यही है, डिवीजन ऑफ टास्क, देन स्पेशलाइजेशन, एंड देन बेस्ड ऑन दीज टू पॉइंट अचीविंग वर्क एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन. सो टेलर की थ्योरी का जो पहला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, लाइक डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, और ब्रीफली डिस्क्राइब साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो आप डिफाइन करेंगे पहले, दिस इज हाउ यू डिफाइन इट. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अप्लाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू एनालाइज द टास्क थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन सो दैट यू कैन गेट टू नो द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग अ टास्क. और इसके पीछे थोड़ी डिटेल क्या है, वो ये है कि हम पहले टास्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, एंड देन वी ट्राई टू परफॉर्म ईच स्मॉलर यूनिट विद ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. टेलर की ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थॉट है ये कहीं रेस्ट करती है बैक एंड पे एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर. ठीक है, सो टेलर ने किया क्या था, टेलर था कौन, इससे थोड़ी सी बात करते हैं. दिस इज वॉट टेलर डज. टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कोल शॉवलिंग ऑपरेशन में बीथलहैम स्टील वर्क्स के अंदर, एंड टेलर वॉज सक्सेसफुली ही सक्सेसफुली इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. कैसे, इसने शॉवलिंग कोल ऑपरेशन को एनालाइज किया, इसने एक्सपेरिमेंटेशन की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉवल्स को यूज किया, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट हैंडल लेंथ को यूज किया, डिफरेंट साइजेस को यूज किया, अमाउंट ऑफ कोल जो निकाली जा रही है, जो कोयला एक वक्त में आप निकाल रहे हैं उसको इसने इवेल्युएट किया, एंड देन ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन. इसने कहा कि फिर हमें स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क में लोगों को स्पेशलाइज कर देना है. पिज्जा हट आप खाते होंगे अपने अपने शहर में, पिज्जा हट अगर आप जाएं तो पिज्जा हट के किचन में बैक एंड पे जिनका किचन होता है उस किचन में किचन क्रू काम कर रहा होता है. क्रू कहते हैं टीम को, CREW, क्रू. किचन क्रू का मतलब होता है किचन की जो टीम होती है, जो उनका किचन क्रू होता है वो एक बंदा नहीं है, दे आर लाइक मोर देन 10 पीपल. और हर एक को एक टास्क दिया गया, हर एक को एक ड्यूटी दी गई. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है जिसे सिर्फ पिज्जा की डो बनानी है, एक उसके बाद उसने डो बना के अगले वर्क स्टेशन को दे देनी है. अगले वर्क स्टेशन पर जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसने टॉपिंग कर देनी है. फॉर एग्जाम्पल लंच टाइम पे मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ आपके साथ, बट आई एम सॉरी. उसने वो टॉपिंग कर देनी है पिज्जा की, फिर पिज्जा की टॉपिंग के बाद अगले वर्क स्टेशन ने उसे बेक कर देना है फॉर एग्जाम्पल. फिर बेक होने के बाद अगले वर्क स्टेशन ने जो वेटर है उसने आकर उसे निकाल के टेबल पे सर्व कर देना है. अब ये क्या हो रहा है, आपने पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट्स के अंदर. यू हैव डिवाइडेड द होल प्रोसेस. फिर आप जो एक वर्क यूनिट आप किसी को असाइन करते हैं वो बंदा उस काम का एक्सपर्ट बन जाता है. जो इंडिविजुअल डो बना रहा है वो बार बार एक काम कर करके उसे क्या फायदा होगा, वो एक्सपर्ट बन जाएगा उस काम का. ही विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ दैट टास्क. आ रही है ना बात समझ. इसी तरह वो बंदा जो टॉपिंग कर रहा है वो स्मॉलर वर्क यूनिट को बार बार कर करके वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा. तो जब आप डिवीजन ऑफ टास्क को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वर्क स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाती है. व्हेन यू डिवाइड अ बिगर टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स वर्क स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स इन. ठीक है ना, एक बड़े टास्क को जब आप छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो वर्क स्पेशलाइजेशन फिर खुद ब खुद पैदा हो जाती है. और इसी की बेस पे टेलर ने अपनी थ्योरी के ये चार प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए थे. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ टेलर थ्योरी. टेलर की थ्योरी के तीन पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में हमने डिफाइन किया साइंटिफिक मैनेजमेंट को और हमने डिस्कस किया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने कैसे डेवलप किया था. ये टेलर का एक्सपेरिमेंट था. दिस इज हाउ टेलर डज इलैबोरेटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. नॉट नेसेसरली एहसान, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन नहीं, नो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो है ना ये इनोवेशन उस सेंस में कि यू कैन डिफाइन सम शॉर्टकट ऑफ डूइंग योर रेस्पेक्टिव जॉब. आप अपने काम में कोई शॉर्टकट निकाल सकते हैं, हाँ उस लेवल पे इनोवेट कर सकते हैं. देखिए आगे जाके पढ़ेंगे हम, इनोवेशन दो किस्म की होती है. चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है जो आपने पूछा. इनोवेशन दो किस्म की होती है जो कि चेंज प्रोसेस में आती है. एक होती है इंक्रीमेंटल और एक होती है रेडिकल. इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मतलब होता है छोटी छोटी इनोवेशन, और रेडिकल का मतलब होता है ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट. कोई बड़ा प्रोसेस, कोई नया प्रोडक्ट ले आना, कोई इन्वेंशन ले आना. जैसे इन्वेंशन जो है ये रेडिकल इनोवेशन. तो यस, एज फार एज इंक्रीमेंटल इनोवेशन इज कंसर्न, तो आप अपने प्रोसेस में जो स्मॉलर यूनिट आपको दिया गया है उसमें आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. यू कैन इंप्रूव समथिंग इन दैट.
अगर आप बात करें बड़ी इनोवेशन की तो वो नहीं हो सकती, वो पॉसिबल है। ओके, द नेक्स्ट थिंग अबाउट टेलर इज द फोर साइंटिफिक फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने चार प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और ये असल थ्योरी है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी। लाइक टेलर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके चार कवानीन है, इन कवानीन को हम क्विक शॉर्टकट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इनके हम कुछ कीवर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। साइंस ऑफ वर्क, जिसे हम साइंस ऑफ वर्क कहते हैं, तो आपने हर काम को करने की साइंस ऑफ वर्क जो है वो आपने निकाल दी। दूसरा प्रिंसिपल कहता है पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। साइंटिफिकली केयरफुली वर्कर्स को सिलेक्ट करें। वॉइस का इशू सबके साथ है, एम आई लाउड एंड क्लियर या डिस्टॉर्शन सबके साथ हो रही है? ओके देन बेटा, यू कैन चेक योर ऑडियो आउटपुट या आप अपना कनेक्शन चेक करें नेट का। ओके सर, क्योंकि अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम हो तो फिर सबको डिस्टॉर्शन जाएगी ना, ऑब्वियसली। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग, हर काम की साइंस है, उस साइंस को निकालें। द सेकेंड प्रिंसिपल सेज पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, जिसका काम उसी को साझे। मुझे अगर कहा जाए कि आप FAR 1 पढ़ा दें तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, डिजास्टर होगा, तबाही फैल जाएगी। आई कॉन्ट टीच दैट, मेरा एरिया नहीं है, मेरी डोमेन नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक, जो एक इंसान का बेसिक स्किल है उस स्किल के मुताबिक हायरिंग करनी है और सूटेबल जॉब उसे देनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि फिर उसको आपने ट्रेन भी करना है, साथ साथ उसको आपने ट्रेन भी करना है। फिर तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि पहले दोनों प्रिंसिपल्स को कन्वर्ज करें, वो साइंस जो आपने निकाली है और वो इंडिविजुअल जो आपने सिलेक्ट किया है, केयरफुल सिलेक्शन किया है आपने, उन दोनों को कंबाइन करें सो दैट यू कैन अचीव हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी, ताकि आप हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी को अचीव कर सकें। सो द पर्सन यू हैव जस्ट हायर्ड एंड द साइंस ऑफ वर्क यू हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ब्रिंग देम टूगेदर सो दैट यू कैन अचीव द हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी। एंड देन फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपने क्या करना है, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान आपने इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो करनी है। लाइक ये थ्योरी जब प्रेजेंट की गई थी उस वक्त लेबर इंटेंसिव दौर होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ठीक है। तो मैनेजमेंट या ओनर जो होते थे they used to give everything to the workers, overburden भी कर दिया करते थे। टेलर ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, workers and management should work closely together, workers and management should work closely together and managers should understand कि उनके करने वाले काम कौन से हैं, workers के करने वाले काम कौन से हैं, and they should appropriately handle the work of the worker accordingly, ठीक है, उसके accordingly उन्होंने काम करना होता था। तो ये key points हैं, हम इन चारों points को यहाँ से discuss करते हैं। पहला पॉइंट है फॉर द राइट पर्सन, सॉरी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग। हर काम की कहते हैं एक साइंस होती है, ये साइंस आपने कैसे तलाश किया, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वर्क एनालिसिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से, कि आपने मोस्ट एफिशिएंट वे निकाल लेना है एक काम को करने का। जब आप एक मोस्ट एफिशिएंट वे निकाल लेते हैं एक काम को करने का, फिर आप वर्कर्स को रिवॉर्ड करते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है इंसान एक मशीन है और मशीन को पे करेंगे तो वो काम करेगी, सिंपल। गाड़ी में फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, इंसान की जेब में पैसा डालेंगे तो इंसान चलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये एजेंसी थ्योरी पर बेस करती है, एक और थ्योरी है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, एजेंसी थ्योरी कहते हैं। एजेंसी थ्योरी कहती है कि इंसान जो है ये खुदगर्ज है, ये सेल्फ इंटरेस्टेड ह्यूमन है या सेल्फ इंटरेस्टेड ऑर्गेनिज्म है, अपने फायदे के लिए काम करता है, ठीक है। एजेंसी थ्योरी इंसान में और हैवान में कोई फर्क नहीं छोड़ती, क्योंकि हैवान जो होता है वो भी सेल्फ इंटरेस्टेड ऑर्गेनिज्म है, क्रिएशन अलग, ठीक है। शेर इसलिए शिकार करता है कि उसे भूख लगी होती है, वो बकरी का या बकरे का एहसास नहीं करेगा या वो
भेड़ का एहसास नहीं करेगा या वो हिरन का एहसास नहीं करेगा तो उसकी जान भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही है ना। तो चूंकि अदर ऑर्गेनिजम्स आर हाईली सेल्फ इंटरेस्टेड, तो वो एजेंसी थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं कि इंसान भी सेल्फ इंटरेस्टेड। वैसे ये थ्योरी अब खत्म हो चुकी है, निगेट हो चुकी है, लेकिन अगर इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड है तो इट मीन्स दैट यू हैव टू रिवॉर्ड देम, यू हैव टू पे देम सो दैट दे कैन वर्क। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, केयरफुली लोगों को सिलेक्ट करें, उनके पास वो तमाम स्किल्स होने चाहिए जो एक काम को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू ट्रेन देम, फिर उनको आपने ट्रेन भी करना। फिर इन पहले दोनों पॉइंट्स को हम कन्वर्ज करते हैं, वी ब्रिंग दीज टू पॉइंट्स टूगेदर एंड वी मेक बेस्ट एफिशिएंट रिजल्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स एंड साइंस ऑफ वर्क। साइंस ऑफ वर्क को और साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स दोनों को यूज करते हुए हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स को एक्वायर करते हैं। और फिर चौथा पॉइंट कहता है कि देयर हैज टू बी एन इक्वालिटी ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान इक्वल डिवीजन होनी चाहिए। मतलब ये अब तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, अब तो सुपरवाइजर, अब तो हम पूरी हायरार्की डिस्कस करते हैं ना, सुपरविजन डिस्कस करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। 19वीं सदी में बैक इन 1850s ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि हायरार्कीज नहीं होती थी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होते थे, तो उस वक्त ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, अब तो ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है ना कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वर्किंग वेरी क्लोजली टुगेदर, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। तो टेलर ने कहा था कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो काम करने में एक्सपर्ट है वो काम खुद करें जो कि डिसीजन मेकिंग है, और वर्कर्स को वो काम दें जो कि वर्कर्स ने करना है, जो कि लेबोरियस काम है जिसमें लेबर जाना है। तो ये चार प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ्योल के मुताबिक, जो कि फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं इस थ्योरी के। और अगर इस थ्योरी में से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो दिस इज द की एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन माइट बी अपेयरिंग इन योर एग्जामिनेशन। टेलर की थ्योरी को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये तीसरा पार्ट है इसकी थ्योरी का। पहला पार्ट अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट नोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और तीसरा पार्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि चूंकि हम लोगों को एक ही काम स्मॉलर वर्क यूनिट बार बार करने पे लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, डल, रेपिटेटिव और मोनोटोनस वर्क पैदा हो जाता है। अब एक ही काम बार बार किए जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोनोटोनस। ठीक है, रेपिटेटिव, एक काम जितना रेपिटेटिवली करेंगे आपकी उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रिजल्ट इन डल, रेपिटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आप टास्क को रिड्यूस कर चुके होते हैं स्मॉलर वर्क यूनिट्स के अंदर, और जब आप किसी भी टास्क को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसमें वर्कर की जो लिबर्टी है वो खत्म हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे वो डीमोरलाइज हो सकता है। सो द सेकेंड क्रिटिसिज्म इज कि वर्कर्स माइट बी डीमोरलाइज्ड, वर्कर्स माइट बी डीमोरलाइज। डीमोरलाइज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट लूज कर जाना किसी काम में, तो या रेपिटेटिव नेचर ऑफ टास्क खत्म करें ताकि बंदे का इंटरेस्ट बरकरार रहे, लेकिन अगर रेपिटेटिव नेचर ऑफ टास्क खत्म नहीं कर सकते फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है आपको जॉब के अंदर, वो हम पढ़ेंगे 7th chapter मोटिवेशन में जाके कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि वर्कर डीमोरलाइज ना हो। वी विल टॉक अबाउट इट इन द 7th chapter दैट व्हाट कैन बी डन सो दैट वर्कर्स आर नॉट डीमोरलाइज। ठीक है, क्योंकि अगर वर्कर डीमोरलाइज हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली एफिशिएंसी लो हो जाएगी, लेकिन तो फिर इसका मतलब है कि पर्पज ही खत्म हो गया ना फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि जिस मकसद के लिए हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था कि हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी को अचीव करना, वो तो खत्म हो गया, एफिशिएंसी विल बी लो। ठीक है, बिकॉज पीपल विल नॉट एट ऑल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर डूइंग, लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस इशू को फिर ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम और मैकेनिज्म यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, और थ्योरीज आएंगी मोटिवेशन फॉर एग्जाम्पल, हम मोटिवेट करते हैं लोगों को। ठीक है, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे तनकीद क्या की जाती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन डल, रेपिटेटिव, मोनोटोनस वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब आप टास्क को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वर्कर्स स्टार्ट गेटिंग डीमोरलाइज, एंड बिकॉज दे फील डल, बिकॉज दे फील मोनोटोनस, उनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, लो हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट 150-200 साल गुजरने के बावजूद खत्म नहीं हुई है, अभी तक वैलिड है, स्पेशली जहाँ पे फ्लोर लेवल ऑपरेशंस की बात आती है, जहाँ जैसे हमने कल भी बात की थी ऑपरेशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम टीचिंग एक ऑपरेशन है पैक का, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी साइंटिफिक मैनेजमेंट।
मुझे साइंटिफिक मैनेजमेंट के सेकंड प्रिंसिपल के थ्रू ही हायर किया गया है, पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ठीक है ना। मेरी एक्सपर्टीज चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट में है, सो आई एम हायर टू टीच बिजनेस मैनेजमेंट। तो जहां पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं वहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट आज भी वैलिड है, ठीक है। जैसे फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर, जैसे जब गाड़ी बनती है, जब गाड़ी असेंबल होती है, तो गाड़ी पूरी की पूरी एक बंदा असेंबल नहीं करता, हर बंदे का अपना एक रोल है, उसको अपना एक टास्क दिया गया और वो उस गाड़ी में वही पोर्शन असेंबल कर रहा होता है। जिसकी ड्यूटी गाड़ी में इंजन असेंबल करने की है वो गाड़ी में इंजन ही लगाएगा, जिसकी ड्यूटी गाड़ी में सीट असेंबल करने की वो सीट ही लगाएगा, ठीक है। तो एक्सपर्टीज खुद ब खुद फिर बिल्ड हो जाती है, खुद ब खुद स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज टू टॉक अबाउट: अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, नंबर वन, नंबर टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड नंबर थ्री द क्रिटिसिज्म ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की दुनिया में अगला नाम आता है फेयॉल का, हेनरी फेयॉल। फेयॉल ने कहा था कि मैनेजमेंट जो होती है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं और उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फेयॉल ने कहा था कि मैनेजर्स के पास फॉर्मल अथॉरिटी उनकी पोजीशन से आती है, जिस पोजीशन पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। मैनेजर्स गेट देयर फॉर्मल अथॉरिटी फ्रॉम द पोजीशन ऑन विच दे आर ऑपरेटिंग, और मैनेजर अपनी अथॉरिटी के मुताबिक कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। फेयॉल की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, फेयॉल की थ्योरी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फाइव फंक्शंस, और दूसरा हिस्सा है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट, इसे हम GMP भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट GMP, गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फेयॉल की थ्योरी के जो फंक्शंस हैं, जिनको टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, फंक्शन भी कहा जाता है, इससे क्वेश्चन आ चुका था पेपर में, और क्वेश्चन इसके ऊपर 10 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन वर्स 10 मार्क्स वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन, लेकिन आपकी बुक सिर्फ 5 नाम दे रही है। यू शुड बी ऑल्सो बी एबल टू ब्रीफली डिस्क्राइब दिस फंक्शन। इसके लिए फिर आपका वो जो फेसबुक वाला ग्रुप है, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये 5ों फंक्शन जो हैं वो डिस्क्राइब भी किए गए हैं साथ साथ, ठीक है। इनको ये डिस्क्रिप्टिव भी हैं, यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर। मार्च 2016 की अटैम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में फंक्शन के ऊपर, 10 नंबर का, लेकिन किताब में सिर्फ नाम है। तो एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक्सप्लेन भी करेंगे। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द ICAP सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ सितंबर मार्च 2016। FB ग्रुप मैंने कल बताया था आपको, BMBS बाय अतीक, ठीक है। टाइप दिस नेम, यू विल गेट अ फेसबुक ग्रुप, यू मे ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक। और इसके अंदर आपको काफ़ी और काफ़ी मैंने इसमें कॉन्टेंट्स अपलोड किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक। सो हमने कल भी डिस्कस किया था रोल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी, रादर वेन वी वर डिफाइनिंग मैनेजमेंट, तो हमने डिस्कस किया था कि हम प्लान करते हैं, प्लानिंग से क्या मुराद होती है। प्लान का मतलब होता है टू लुक अहेड। प्लानिंग में हम दो काम करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है से मुराद है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके अचीवेबल्स क्या हैं। कैसे करना है, आप की स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। देन यू ऑर्गेनाइज, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन प्लेस, हायरार्कीज डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। फिर आप कमांड करते हैं, कमांड से क्या मुराद है, ऑर्डर देते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अब हम कमांड के वर्ड को रिप्लेस कर चुके हैं लीडरशिप से, क्योंकि कमांड का जो वर्ड है ये अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जबकि लीडरशिप में बिहेवियर्स आ जाते हैं। आप कोऑर्डिनेट करते हैं और आप कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करके उसको आप आउटपुट से कंपेयर करते हैं, एंड यू सी दैट वेदर और नॉट द टारगेट वाज मेट, ठीक है। तो ये हमारे 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, या 5 मैनेजमेंट टास्क हैं। इन्हें हम टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, इन्हें हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था 10 मार्क्स का। इसके बरक्स हेनरी फेयॉल ने कहा देर आर सम गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, GMPs भी होती हैं कुछ। हेनरी फेयॉल ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम GMPs। GMP कहते हैं गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। लाइक हेनरी फेयॉल ने कहा था कि कोई भी इदारा अगर इन 14 कवानीन को यूज करता है तो वो अच्छी मैनेजमेंट डेवलप कर सकता है। एंड दिस वॉज अ वेरी पुअर स्टेटमेंट,
कि कोई भी इदारा इन 14 प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अच्छी मैनेजमेंट को इंश्योर नहीं कर सकता, ये चीज़ आगे जाके निगेट होगी। हेनरी फ्योर ने कहा था कि अगर एक इदारा इन 14 कानून को यूज़ कर रहा है तो ये चाहे किसी किस्म का इदारा हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो मैनुफैक्चरिंग में हो, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री में हो, किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छी मैनेजमेंट दे सकते हैं बाई डिप्लॉइंग दीज 14 प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स तो नहीं आएंगे आपको पेपर में, बड़ा रेयर है कि एग्जामिनर 14 के 14 प्रिंसिपल्स से आपसे कमेंट मांग ले। हाँ, ये मुमकिन है एग्जामिनर या आपको नाम दे दे 14 प्रिंसिपल्स का और उसको डिस्क्राइब करने को कह दे, या ये भी मुमकिन है कि एग्जामिनर कहे कि ब्रीफली डिस्क्राइब और ब्रीफली एनलिस्ट एनी 4 एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योर। ठीक है, इसके लिए फिर आप एक्रोनिम्स बना सकते हैं, यू कैन मेक एक्रोनिम्स। ठीक है, यू कैन गो फॉर एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स जो है ये आपके लिए शॉर्टकट्स होते हैं। एक ऐप है, प्ले स्टोर पे भी पड़ी हुई है, आई स्टोर पे भी पड़ी हुई है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वर्ड बिल्डर के नाम से, वर्ड बिल्डर। इट्स वेरी गुड ऐप, स्पेशली इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपकी किताब में इनको आपको मेमोराइज करना है बाय डेवलपिंग एक्रोनिम्स। ठीक है, सो वर्ड बिल्डर या वर्ड जनरेटर ऐसी कोई ऐप है, चेक कर लीजिएगा, मसाले वर्ड जनरेटर है शायद, चेक कीजिएगा वर्ड जनरेटर। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, इसमें जस्ट नीड टू गिव अल्फाबेट्स, आप इसमें अल्फाबेट्स डाल दें। ठीक, और वो उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए बेस्ट पॉसिबल एक दो वर्ड्स आपको बना के दे देगी। ठीक, प्रॉपर वर्ड, सेंसिकल वर्ड जिनकी सेंस होती है, उन वर्ड्स को आप याद रख लें तो आप बड़ी आसानी से फिर रिकॉल कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। पहले हम ये खुद बनाया करते थे एक्रोनिम, अब हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं। सो आई रिकमेंड कि आप किसी एक अच्छी ऐप को डाउनलोड करके आप इस तरह के, स्पेशली इस तरह के टॉपिक्स के लिए, जैसे अभी ये पहला टॉपिक आया है प्रिंसिपल्स का, इसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा अरविक का, ये अरविक के 10 अलग है प्रिंसिपल्स। तो अगर अरविक में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अरविक के प्रिंसिपल्स को ही निकालना है। अगर क्वेश्चन आता है फ्योल पे तो फिर आपने फ्योल के प्रिंसिपल्स को ही डिबेट करना है, तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप दुश्वारी में पड़ सकते हैं, यू माइट बी कॉट इन सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आपने, तो अब जैसे ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं ये बड़े सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, और ये 14 प्रिंसिपल्स कुछ टेलर वाले भी हैं, टेलर ने भी इनको कुछ डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज डिवीजन ऑफ वर्क, ये बात हमने अभी की है ऊपर, कि एम्प्लॉइज को स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए आपको टास्क को डिवाइड करना पड़ता है, आपको टास्क को तोड़ना पड़ता है स्मॉलर पोर्शंस में, बिकॉज व्हेन यू विल ब्रेक द टास्क इन स्मॉलर पोर्शंस पीपल विल गेट ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, द सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड। अच्छी मैनेजमेंट में देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स, जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी, आप लोगों से काम कैसे करवाएंगे। तो अच्छी मैनेजमेंट के लिए लोगों को ऑथराइज करना जरूरी है, यार टू मेक पीपल अथॉरिटेटिव सो दैट दे कैन गिव ऑर्डर एंड गेट द थिंग्स डन। रिमेंबर, अथॉरिटी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिमेंबर, जस्ट इमेजिन मैं नहीं हूँ यहाँ पे आपके सामने, क्लास का टाइम आपके सामने 2 से 3 या 2 से 3 मौजूद है, बट आई एम नॉट इन द क्लास। डू यू थिंक दैट यू आर गुड इनफ टू कम टू द सेशन, रीड द बुक, ठीक है, एंड जस्ट अंडरस्टैंड एंड गो, नहीं कर सकते ना, अथॉरिटी होनी चाहिए। आई एम ऑथराइज टू टेक द क्लास अलॉन्ग, मैं, मेरे पास अथॉरिटी है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ आई एम नॉट ऑथराइज यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सिंपल। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बोथ गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मस्ट बी अपहेल्ड, फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी है जैसे, ठीक है, ड्रेस कोड होता है, अच्छे इदारे हमेशा डिसिप्लिन होते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन काम करने के जो तरीके होते हैं दे माइट वेरी, बट डिसिप्लिन हैज टू बी देयर। वेज ऑफ डूइंग थिंग्स माइट वेरी बट यू मस्ट बी डिसिप्लिनड। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है बॉस हैज टू बी वन। रिमेंबर, जस्ट इमेजिन कि इस वक्त आपके सामने 2 टीचर्स बैठे हुए हैं और आपको BMBS पढ़ा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। ये एक बड़ा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, बल्कि इन फैक्ट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस होल यूनिवर्स। वी ओबे टू वन अल्लाह, ना हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड, देयर हैज टू बी वन बॉस, डायरेक्ट बॉस।
अगर मैं किसी का सबॉर्डिनेट हूँ तो मुझे सिर्फ एक बॉस चाहिए जिसकी बात मैंने सुननी है। अगर तीन लोग मिलके मुझे गाइडेंस दे रहे हैं तो आई विल गेट कंफ्यूज कि मैं किसकी सुनूं। देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अल्लाह एक है ये है यूनिटी ऑफ कंट, किबला एक है ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पुटिंग इट सिंपल, ठीक है। वी हैव वन अथॉरिटी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, एंड वी हैव वन फोकस, वी हैव वन विजन, वी हैव वन क्लियर डायरेक्शन, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो टीम शुड वर्क अंडर द सेम मैनेजर, वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। वन प्लान से क्या हो रहा है, फोकस सेम होना चाहिए। जैसे हम सब का किबला जो है वो काबा की तरफ है ना, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अनफॉर्चुनेटली अब तो हम सब ने अपने अपने किबले अलग अलग कर लिए हुए हैं, लेकिन मतलब अल्टीमेट किबला इज वन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट, गोल ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकते हैं। चले अभी सर अभी हम इस बहस नहीं पढ़ रहे, ऑब्जेक्टिव और गोल्स में डिफरेंस होता है, गोल हैज टू बी वन। चले फॉर द टाइम बींग आप ये कह सकते हैं कि चले ऑब्जेक्टिव भी एक होने चाहिए, बट आइडियली गोल्स एक होते हैं, ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकते हैं, गोल एक होता है। अभी हमने चूंकि डिफरेंशिएट नहीं किया ऑब्जेक्टिव को और गोल को, तो अभी शायद आप क्लियर ना कर पाए, हम पढ़ेंगे जाके 7th चैप्टर में, ठीक है ना। एनी सो देयर हैज टू बी वन प्लान, वन फोकस, वन गोल। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपके जाती मफाद खत्म हो जाने चाहिए और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आने चाहिए। दिस इज वेयर हेनरी फेयॉल एक्चुअली निगेटेड एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी ने कहा था कि इंसान जब भी काम करेगा अपने मफाद के लिए करेगा, लेकिन जब आप किसी इदारे के लिए काम करते हैं तो इदारे के मफाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मफाद कम इंपॉर्टेंट है। सबॉर्डिनेशन मीन्स कम कर देना, सप्रेस कर देना, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉई शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन दोज ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है और अब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई, दैट इज नोन एज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इफ यू हैव टू मेक पीपल वर्क, यू हैव टू पे देम रेम्यूनरेशन, पे करना पड़ेगा। एवरीबॉडी डिजर्व्स अ फेयर रेम्यूनरेशन, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। रेम्यूनरेशन एक ब्रॉड वर्ड है, इसमें सैलरी भी आ जाती है, इसमें अदर इंसेंटिव भी आ जाते हैं, जैसे कंपनी की गाड़ी आपको मिली हुई है, कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस कराई हुई है। तो रेम्यूनरेशन के अंदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों किस्म की कॉम्पनसेशन आ जाती है, ठीक है ना। बोथ टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन आर देयर। देन वी हैव सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग एक जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल द पीपल शुड वर्क वेरी क्लोजली सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन, ठीक है ना। कि हाउ क्लोज द एम्प्लॉइज आर टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एक जगह पे होनी चाहिए, एवरीबॉडी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर हैज टू बी अ स्केलर चेन, स्केलर चेन जो हमने कल हायरार्की डिस्कस की थी, एक चेन ऑफ कमांड होती है ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, ये स्केलर चेन है। ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशन कहाँ है इस हायरार्की में, वेयर डू आई फॉल, ठीक है, मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ। तो स्केलर चेन के ऊपर आपने ऑपरेट करना है। देयर हैज टू बी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हुक्म देना नहीं, ऑर्डर का मतलब है तरतीब देना, तरतीब करना, ठीक है। क्लीनलीनेस, टाइडीनेस, हर चीज अपनी जगह पे, ठीक है, वर्क प्लेस की सफाई सुथराई, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अ बेटर प्लेस टू वर्क, अच्छी मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितने ऑर्डरली हैं, यानी आपकी वर्क प्लेस कितनी नीट एंड क्लीन है। देयर हैज टू बी इक्विटी, गुड मैनेजमेंट के अंदर वो कहते हैं इक्विटी होनी चाहिए, मींस मैनेजर्स एंड द स्टाफ शुड बी फेयर टू देयर स्टाफ, ठीक है ना। डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जहां तक हो सके काइंडनेस को मेंटेन करना है, बदतमीजी नहीं करनी, और इक्वालिटी, फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और दोनों का लेवल ऑफ नॉलेज एक जैसा है तो दोनों की सैलरीज भी इक्वल होनी चाहिए, ये भी इक्विटी है, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है कि आपने अपने बिहेवियर्स में और अपने प्रोसेसेस में आपने यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। अच्छी मैनेजमेंट जो है वो पर्सनैल को रोकती है, एम्प्लॉई टर्न ओवर रेट को कम करती है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि अगर आज इम्प्लॉई ने आपके साथ काम करना शुरू किया है
यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम दो तीन पांच साल वो काम करे आपके साथ, ऐसा माहौल ना पैदा कर दें कि आज इम्प्लॉई आया है और कल वो क्विट कर गया आपकी नौकरी अपनी छोड़ गया। यू हैव टू मेक श्योर कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए। टेन्योर का लफ्ज़ ही मतलब होता है द स्पैन ऑफ टाइम अ पर्सन इज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। टेन्योर कहते हैं कि कितना अर्सा एक बंदा एक काम कर रहा है एक इदारे के साथ, इसको हम उसका टेन्योर कहते हैं। तो मैनेजर शुड मेक श्योर कि एम्प्लॉई टर्नओवर रेट कम हो, मतलब टेन्योर ज़्यादा हो, ठीक है। एंड दे शुड फोकस ऑन पर्सनल प्लानिंग, कितने लोग चाहिए, कब कब चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छी मैनेजमेंट में आप इनिशिएटिव को इनकरेज करते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है यू अलाउ द पीपल सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर प्लान। नाउ अगेन दिस गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्लाइटली कॉन्फ्लिक्ट्स विद साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप किसी को फ्रीडम नहीं दे रहे होते काम करने की, इतना आपने काम को साइंटिफिक बना दिया है, स्पेशलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे फ्योर कहता है नहीं, हमें इनिशिएटिव देना चाहिए, वी शुड गिव पीपल स्लाइट इनिशिएटिव फ्रीडम टू वर्क, कि वो अपने प्लान खुद बनाएं, उन्हें खुद कैरी आउट करें। एंड द लास्ट प्रिंसिपल ही टॉक्स अबाउट इज एस्पिरिट डिकॉप, ये फ्रेंच वर्ड है। स्पिरिट कहते हैं स्पिरिट को, स्पिरिट से मुराद होता है आपका एंथुजियाज्म, ठीक है, जोश। डी कहते हैं द को और कॉप्स कहते हैं टीम को। तो स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट बिल्ड करें, लोगों के अंदर यूनिटी लेके आए, मेक पीपल यूनाइटेड, ब्रिंग देम टुगेदर। जितना टीम स्पिरिट बिल्ड होगा लोग उतना अच्छा काम करेंगे। द हायर टीम स्पिरिट देयर वुड बी पीपल वुड वर्क इवन बेटर, ठीक है, इसे कहते हैं स्पिरिट डिकॉप्स। तो ये 14 कवानीन है, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन 14 के 14 प्रिंसिपल्स को कंसेप्चुअली तो पता होना चाहिए आपको, ऑल ऑफ देम। एंड इट इज रिकमेंडेड कि इनके जो नाम हैं वो आप किसी एक्रोनिम से जहन में रखें, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आपसे कोई से चार पांच नाम पूछ लिए जाएं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट और आप आसानी से उनको रिप्रोड्यूस कर सकें। यहां तक क्लियर? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग किस हद तक एक पॉइंट पे हो रही है। नहीं नहीं, सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा, सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन एंड रेम्यूनरेशन, ओके, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, सो दिस इज द फोकल एरिया जहां पे सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ द एम्प्लॉई शुड कीप देमसेल्फ क्लोज टू द की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे जाके, थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, स्ट्रक्चर में आएगा। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग सारी की सारी एक जगह पे हो रही है एक इदारे। एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ये होता है कि हर एम्प्लॉई अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। तो द मोर क्लोज यू वर्क टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग द मोर सेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। रेम्यूनरेशन जो है, दीज आर द आउटकम गिवन टू अ पर्सन फॉर द वर्क डन। फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। आपकी जो सैलरी है ये फाइनेंशियल है, कंपनी मेंटेन कार जो आपको दी गई है दैट इज नॉन फाइनेंशियल। सो यू हैव टू गिव पीपल एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, आपने लोगों को एडिक्वेट रेम्यूनरेशन देनी होती है ताकि वो लोग जो है वो अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करें वर्क प्लेस के ऊपर। So you have to give people adequate remuneration. Clear? Okay. Okay. Tomorrow, inshallah, हम लिंडल अर्विक के प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। अर्विक के 10 प्रिंसिपल, बल्कि कल की क्लास अभी डाउटफुल है। टुमारो आई हैव अ मीटिंग एट 1 PM, आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू एंड। तो प्रॉबेबली हम शायद कल की क्लास ना कर सकें, बट स्टिल आई वुड बी अनाउंसिंग इट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे से अनाउंस कर दूंगा बिफोर हैंड, ठीक है। अभी आई एम नॉट श्योर कि मेरी मीटिंग कब खत्म होगी, इन केस आई गेट ई अर्लियर तो मैं हम क्लास लेंगे, अदरवाइज मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगा, ठीक। इन द मीन टाइम आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये अब दोनों थेरीज को जरा प्रिपेयर करें अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, ठीक है, और इन थेरीज से रेलिवेंट मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी रेफर कर सकते हैं। शाज़ेब, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहते हैं कि आपका एक एम्प्लॉई कितना अर्सा आपके साथ काम करता है। टेन्योर को हम डिफाइन करते हैं, टेन्योर इज द टाइम स्पैन
एन एम्प्लॉई वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉई कितना अर्सा एक इदारे के साथ काम करता है उसे हम उसका टेन्योर कहते हैं। सो फ्योल के मुताबिक अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जिसके अंदर आप टेन्योर को स्टेबल करें, मीन्स एम्प्लॉयज शुड वर्क विद यू फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। और ये कब होगा, जब आप एम्प्लॉयज टर्न ओवर रेट कम करेंगे। एम्प्लॉय टर्न ओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। टर्न ओवर से मुराद है हाउ मेनी पीपल आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ यू विल मेक द टेन्योर स्टेबल, इट मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग टर्न ओवर। इनवर्स है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बढ़ाने के लिए टर्न ओवर रेट कम करना पड़ेगा। अगर टर्न ओवर रेट ज्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो टेन्योर है वो स्टेबल नहीं है। गॉट इट। पर्सनैल कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। पर्सनैल का लफ्ज मतलब होता है एक कंपनी के एम्प्लॉयज। पुटिंग इट इन द इजिएस्ट पॉसिबल टर्म, पर्सनैल आर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के एम्प्लॉयज को हम उसके पर्सनैल कहते हैं। सो होपफुली टुमारो, अदरवाइज इंशाल्लाह ऑन मंडे हम अरविक के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और हम वेबर पे जंप करेंगे। अभी मैं काफ़ी स्पून फीड कर रहा हूँ आपको, लाइक आई थ्रो अ कॉन्सेप्ट, आई डिफाइन इट, और फिर मैं वर्ड बाय वर्ड किताब से भी आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये चीज़ कहाँ पढ़ी हुई और कैसे इसे आपने कंसेप्चुलाइज करना है। दो तीन हफ्तों के बाद मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन होंगी कि एटलीस्ट जो रीडिंग का पार्ट है वो आप खुद से करना शुरू कर देंगे। मैं आपका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको कीवर्ड्स ढूंढने में हेल्प करूंगा, बट आई विल नॉट स्पून फीड। ठीक है, अभी चूंकि ये सब्जेक्ट भी आपके लिए नया है, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को बिल्ड करेंगे साथ साथ, तो बट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और द बेस्ट वे टू वर्क ऑन इट इज रीडिंग, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ हैंड्स ऑन कमांड ऑन द सब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटी बेहतर हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो आप पढ़ें और उसे रिप्रोड्यूस करें। मतलब एक थ्री स्टेज प्रोसेस है। अब मेरे नज़दीक लर्निंग बहुत आसान है और मैं हमेशा बहुत चीज़ों को साइंटिफिकली लेकर चलता हूँ, अपने भी एकेडमिक करियर में और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी। लर्निंग इज़ वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लर्निंग इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस, तीन स्टेजेज हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुलाइजिंग, रिप्रोड्यूसिंग। बल्कि ये आप नोट कर लें, ये एक फूड फॉर थॉट भी है आपके लिए और एक जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला भी है। तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड लर्नर, फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स, अंडरस्टैंड, कंसेप्चुलाइज, रिप्रोड्यूस। अंडरस्टैंडिंग आएगी रीडिंग से, कंसेप्चुलाइज करेंगे लेक्चर से, सुन के लेक्चर लेके, और रिप्रोड्यूस करेंगे राइटिंग से। ठीक है, एंड दिस इज द की टू योर सक्सेस। कुछ लोग रीडिंग में अच्छे होंगे लेकिन कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल। कुछ लोग कंसेप्चुलाइज अच्छा कर लेते होंगे लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो आपने देखना कि आपका चैलेंज इन तीनों में कहाँ पे है, एंड यू हैव टू ओवरकम दैट चैलेंज। आपने फिर उस चैलेंज को ओवरकम करना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंसेप्चुलाइज, एंड यू नीड टू रिप्रोड्यूस। दैट इज द की टू द सक्सेस। गॉट इट। चलिए, लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब होपफुली टुमारो और ऑन मंडे। आई विल अनाउंस ऑन व्हाट्सएप व्हाटएवर इज गोइंग टू बी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।